जब आप यहाँ तक कृपा की हो मुझे दर्शन भी दो। राधा रानी तो दर्शन देना चाह रही थी, राधा रानी आंखों से आंखों की पट्टी खोल दी है तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी को उन्होंने दर्शन की। दर्शन करके बड़ी सुंदर राधा रानी की स्तुति करती है, बल मुनेन्द्र बिंद वंदिते त्रिलोक सोतहारी प्रसन्न वक्र वंदये निकुंज बोधिलासिनी प्रजेन्द्र भानुनंदिनी प्रजेन्द्र सोनु संगते रागरीश सियमा कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वेश बल्लरी पितान मंडल सिते प्रवाल वाल बल्लव प्रभारुनांद्रि कोमले वैराग्य स्फुरंतरे प्रमोद संपदालये कदाचरीश सियम कृपा कटाक्ष भाजनम ने साधारण की बड़ी सुंदर स्तुति की। फिर राधा रानी इनके एक अलग नाम देते हैं, इनका नाम दिया श्यामा नंद। श्यामा मतलब श्रीमती राधा रानी, आनंद मतलब है जो राधा जी के आनंद में जो आनंद होती है। इसलिए कृष्ण लीला में ये कौन है, यदि ये कनक मंजरी, कृष्ण लीला में ये कनक मंजरी राधा रानी की एक प्रिय सहचरी है। कनक मंजरी ही ये श्री श्यामानंद प्रभु रूप में आए। फिर श्री राधा रानी स्वयं ये जो विग्रह दर्शन किए है, राधा रानी अपना हृदय से ही ये विग्रह को देखकर उन्होंने श्री विग्रह को दिया। इसलिए जो विग्रह है ये विशेष विग्रह कृष्ण बनाया नहीं, जैसे बज्रनाभ ने सारे विग्रह बनाए, लेकिन ये विग्रह कृष्ण ने नहीं बनाया, ये राधा जी के हृदय से ये प्रकट हुई विग्रह। इसलिए ये विग्रह विशेष विशेष महत्व ये विग्रह की, इसलिए इनका नाम है राधा श्याम सुंदर है। यदि यहीं पर श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु यहीं पर रहते थे, जब श्री जयपुर में कुछ चीज को लेकर लड़ाई हुई, वहां पर जो रामानंदी संप्रदाय के रामानुज संप्रदाय के थे लोग, उन लोगों ने राजा को बोले, बोले महाराज ये राधा जी को साथ में कृष्ण क्यों खड़े किए, क्योंकि हमारे जो वैदिक की संस्कृति है पति को साथ में केवल विवाहिता पत्नी ही रह सकती है, मगर शादी के हमारी संस्कृति नहीं कहता है किसी लड़की को प्रेम करके और अपना घर में ले आओ और उसको साथ में रख लो, हमारी वैदिक संस्कृति को स्वीकार नहीं करते हैं, केवल विवाहिता पत्नी को ही साथ में रख सकते हो। और भागवत में किसको साथ में विवाह हुई है, रुक्मिणी सप्तमामा काली देवी को साथ में, इसलिए कृष्ण को साथ में राधा जी की नहीं ये रुक्मिणी सप्तमामा को रखनी चाहिए। दूसरी बात है वो राजा थे गौड़ीय वैष्णव के, इसी धारा के अनुरूप इसलिए पहले पूजा होती थी कृष्ण की, उसको बाद में पूजा होता था नारायण की पूजा हुआ करती थी, बल्कि यहाँ पर आप भी तो उल्टा पुलटा कर रहे हो। कहा नारायण अनादि है, जिनके नाभि का बल से स्वयं भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनका जन्म नहीं आदि अंत नहीं, कृष्ण के द्वापर युग में आए, आप इनको बड़ा करके इनको पूजा करके बाद में ये कहा श्री लक्ष्मी नारायण के बाद में पूजा करते हो, इसलिए इसको काम नहीं चलेगा, इसलिए इसको काम नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ से राधा रानी घटा और रुक्मिणी देते सत्यमाम कर लो, और पहले नारायण की पूजा फिर कृष्ण। राजा को इतना शास्त्र कहाँ से पता है, उनको पता नहीं, उन्होंने खबर भेजा अगर वृंदावन में कोई गौड़ीय संप्रदाय में कोई मूर्धन्य संत हो जो यहाँ पर आए और ये चीज को स्थापन करे। उस समय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृद्धावस्था में थे, अभी यही पर वृंदावन में ही अंतर दशा में हर समय भगवत लीला में वो डूबे हुए थे, लेकिन उनकी जो शिक्षा जो शिष्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, तो उन्होंने श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु को भेज बोले तुम जाकर के ये चीज को स्थापन करो। वहां पर गए जहाँ पर गलता गदी एक स्थान आप लोग गए गलता गदी के, वहां पर रामानंद संप्रदाय के बड़े बड़े साधु मोटे मोटे लाल लाल बड़े बड़े आए और बोले गौड़ीय वैष्णव बल दो व्यक्ति को चुना जाए उनके तरफ में इनके तरफ में, और इनके तरफ में आप बोले थे विद्याभूषण को देखोगे इतने छोटे से नाते से और यहाँ तक कपड़ा पहने हुए और थोड़ी सी गले बहनी देखने में रुक्म, क्योंकि महाप्रभु भक्त जो वैराग्य प्रसाद जहाँ देखी कुष्ठ गौरव नारायण महाप्रभु का भक्त तो वैराग्य में रहने वाले भक्त है, इसलिए अभी बोले तुम्हारी प्रथम में कौन बात करेगा, बोले ये बाबा बोले तो फूल अने पर उड़ जाएंगे और उनको देखो कितने मोटे लंबे कितने सुंदर साधु है, लेकिन बड़े विद्याभूषण प्रभु बहुत बड़े विद्वान थे, साधारण नहीं,
प्रमेय रत्नावली और टीका भगवत गीता की टीका सारे गोस्वामी ग्रंथों को उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनुगत में सारे ग्रंथों को पढ़े। इसलिए उन लोगों ने प्रश्न किए, आप लोग बड़े बड़े राधे राधे बोलते रहते हो है? और यहाँ पर और जो श्रीमद भागवत ग्रंथ है इसमें राधा जी का नाम कहाँ है? इसमें तो राधा जी का नाम है। इसलिए आप कृष्ण को बाप करके राधा जी को करके स्थापन किए हो। ये राधा रानी एक और भागवत में कोई राधा राधा कोई नाम नहीं। इसलिए आप वृंदावन में देखो यहाँ पर भी कोई आप कहेगा ना कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, यहाँ क्या बोलते हैं? जोर से देखना वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते। हम भी हरे कृष्णा पहले हरे से राधा जी का नाम लेते हैं। बोले से भागवत में राधा जी का नाम कहाँ है? पर कहाँ नहीं तो साधी भाजी कहाँ हुई? अब बताओ कहाँ पर राधा जी का नाम कहाँ पर है? तब श्री गीता पढ़ते विद्याभूषण प्रभु उन्होंने इतने सुंदर सुंदर उन्होंने बात बताई वहां पर। बोले भागवत का जो भागवत में साधारण लोग जो पढ़ते हैं भागवत को कल दसम स्कंध में तो पूरा कृष्ण कृष्ण कथा है, कई राधा जी कथा ही नहीं है। इसलिए लेकिन हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये सब कहते हैं यदि ग्रंथ का नाम है ये श्रीमद भागवतम। श्रीमद श्रीमद मतलब क्या? श्री मतलब श्रीया श्रीमती राधा रानी, मद मतलब होता है प्रेम। कभी ये भागवत ग्रंथ नहीं, ये राधा रानी जब प्रेम वैचित्र में उनकी मुखार बिंदर जो निकलती है कभी ये श्रीमद भागवत है। इसलिए श्रीमद मतलब राधा जी की जो प्रेम वैचित्राही ये श्रीमद भागवत है। बोले राधा जी का नाम कहाँ पर? तो उन्होंने दिखाया भागवत का जो प्रथम श्लोक है बोले जन्मादस्य जतोऽन्यादितरतश्च। इसलिए उसने बताया सत्यं परम धीमहि। यहाँ पर कहते जो परम शब्द हमारे श्री बल्लभाचार्य कहते हैं कि जो परम शब्द है ये कृष्ण ही, ये पराशक्त जो परात्पर तत्व भगवान कृष्ण है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते बोले नहीं, ये जो परम शब्द परम च पराम तरीके परा प्रत्येक कृष्ण परिप्रमता राधिका परा देवता। यहाँ पर जो परम शब्द है कृष्ण की जो पराशक्ति श्रीमती राधा रानी को लक्ष्य करते हैं। राधा रानी कौन है? बोले जन्मादस्य जतः। जतः मतलब जिनसे जन्म होता है क्या? बोले आदि। आदि रस मतलब होता है श्रृंगार रस। जिनसे सारे श्रृंगार रस की उत्पत्ति है वो श्रीमती राधा रानी। इसलिए भागवत में उनने कहां कहां पर बोले श्री वेणुगीत में जहां पर श्री गोपी गीत का जो पहला श्लोक है बोले जयति जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वतत्र ही तरित दीक्षता दीक्षता पता दोई मृता सब स्वाम विचीपते। यहाँ पर जयति ते धिकम जन्मना प्रज श्रयत इंदिरा। यहाँ पर जो इंदिरा शब्द है कभी राधा रानी है, क्योंकि जब राम को साथ में कहीं इंदिरा शब्द होते हैं सीता, अगर नारायण को साथ में कोई इंदिरा शब्द होता है लक्ष्मी, जब कृष्ण की लीला में कोई इंदिरा शब्द ही कौन है? श्रीमती राधा रानी। रासलीला का जो प्रथम श्लोक है जोग माया उपाश्रित जोग माया कौन है? बल्कि श्रीमती राधा रानी जो स्वयं श्री राशेश्वर। उन्होंने इतने श्लोक दिखाया भागवत में राधा 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 राधा। अभी यहाँ प्रश्न करते हैं सर ये जो रुक्मिणी को साथ में जो शादी हुई सत्यभामा को साथ शादी हुई, पर यहाँ पर कहाँ शादी हुई? इसलिए हम लोग भांडेरवट गए थे। भांडेरवट में जब गए थे ब्रह्मा जी ने राधा रानी को साथ में कृष्ण को गंधर्व विवाह वहां पर करवाया। और एक जो संकेत है नंदगांव बरसान के बीच में स्थान है जहाँ पर वहां पर भी ब्रह्मा जी राधा रानी के साथ में कृष्ण को वहां पर उन्होंने गंधर्व विवाह कराया। कभी किसी जगत में डायरेक्ट रूप में क्यों नहीं दिखता है शादी की? पर इसीलिए जो जो परत या रस है हाँ ये नहीं रहेगा, मिलन की उत्कंठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये जोग माया ने इस व्यवस्था करके उन्होंने शादी डायरेक्ट रूप में नहीं कराया, लेकिन शादी बहुत सारी जगह पर होगी। तो गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं जैसे गोलोक वृंदावन में जो प्रिया प्रियतम जैसे यहाँ पर कोई शादी हुई, शादी होकर जब यहाँ से उनकी नौकरी बार नाम लेते थे वो छह महीना बेहोश हो जाते थे। बोले भैया दिन सात दिन अगर छह महीना बेहोश हो गया तो फिर हम भागवत कथा नहीं सुना, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। दूसरा उदाहरण दिया जैसे मेहंदी पत्ता है, मेहंदी पत्ता का रंग कैसे हरा है
लेकिन वो हरा नहीं है, वो लाल है, लेकिन वो लाल कैसे प्रकट हो, पीसो तभी हरा हरा दिखेगी। जब घर माता है नहीं भी लगा ले तो फिर कौन सा रंग हो जाता है, घर लाल हो जाता है। इसलिए कहते हैं अंदर में तो ये राधा राधा है, लेकिन ये ऊपर से क्या दिखती है, हरा हरा कृष्ण कृष्ण दिखती है। उन्होंने कितने उदाहरण दिया, वेद से उदाहरण दिया, राधा या माधव और माधव सह राधिका, ये वेद का मंत्र है। वहां पर भी राधा जी को साथ में, कृष्ण कृष्ण जी को साथ में, फिर उन्होंने बोले फिर तुम लोग नारायण का पूजा पहले नहीं करे, कृष्ण का पूजा पहले क्यों करते हैं। फिर उन्होंने विभिन्न ग्रंथ से कृष्ण का जो परतत्व है, जिसको ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधिवपित सर्व कारण कारण, जिसको कहते हैं इत्यचान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं जो भगवान ये कृष्ण है, हैं इनका जो अंश कला रूप में ये इतने सारे अवतार है। इसलिए उन्होंने विभिन्न शास्त्र से कृष्ण के परतत्व की स्थापना की। फिर उन्होंने फिर तीसरा प्रश्न कर दिया, तुम्हारा संप्रदाय में कोई भाष्य नहीं। फिर उन्होंने गोविंद देव को प्रार्थना करते हुए 7 दिन में उन्होंने गोविंद भाष्य को उन्होंने बनाया। इतने सुंदर गोविंद भाष्य बनाए, किसका पारिजात भाष्य, उनका किसी भाष्य है, लेकिन ये जो इनका नाम रखा उन्होंने गोविंद भाष्य। इसी भाष्य में विशेषत्व है, उनकी जो भाष्य में कहीं सख्य रस, दास्य रस और उनको यहाँ तक ये और नहीं, लेकिन हमारे जो इन्होंने जो वेदांत सूत्र जो बनाया, और हमारे महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो गौड़ीय वेदांत समिति रखा, भक्ति वेदांत नारायण, भक्ति वेदांत बामन, भक्ति जितने नाम है, वेदांत मतलब क्या, साधारण लोग सस्ते हैं, ये तो ज्ञानी और मायावादियों का ग्रंथ है, लेकिन श्री विश्व श्री हमारे बड़े विद्याभूषण तक हमें नहीं, ये मायावादियों का नहीं, ये भक्तों का ग्रंथ है, क्योंकि वेदांत मतलब वेद का जो सार है, जब वेद का सार किया है तो निगम बल कतर दलित फला, निगम मतलब होता है वेद, वेद का जो परिपक्व फल है श्रीमद भागवत है, और भागवत का सार किया ब्रज भक्ति, ब्रज भक्ति का सार किया है ब्रज गोपियों की भक्ति। वेदांत मतलब है जो श्रृंगार रस को उपासना करने वाले, उन्होंने वेदांत सूत्र में उन्होंने श्रृंगार रस को उन्होंने दिखाया, जिसको देख करके सबके सब चमत्कृत हो गए, और हमारी गौड़ीय वैष्णव ध्वजा उन्होंने झंडा उड़ा दिया, किसने, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की, श्री श्यामानंद प्रभु की, श्री राधा श्याम सुंदर की, गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल।